हाय फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं आपके लिए अपनी नई वीडियो जो है IBPS यानी कि बैंकिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। सो आई वांट कि जो भी हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे इस चैनल यो सर्च को सब्सक्राइब करें, बिकॉज वी प्रोवाइड यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, बैंक जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, करंट अफेयर्स एंड मेनी मोर थिंग्स। सो प्लीज़ आप हमारे साथ इस वीडियो में कम्प्लीटली बने रहें और हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें जो भी हमारे फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने में, उनको इसमें कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग IBPS क्लर्क 2021 एग्ज़ाम की। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि क्या इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, यानी कि कब से आप अपनी ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं एप्लीकेशन का, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म को आप किस तरह फिल कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। सो प्लीज़ हमारे इस चैनल यो सर्च पर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, जो भी हमारे फ्रेंड्स IBPS क्लर्क 2001 की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सो आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज़ फॉर 1557 यानी कि 1557 वैकेंसीज, और यह IBPS क्लर्क की ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुई है जिसमें यह बताया गया है कि एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जो एक CRP यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, एंड दिस विल बी फॉर क्लर्क कैडर दैट इज फॉर क्लर्क पोस्ट, इसको लिया जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि द एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय IBPS और ये क्लेरिकल पोस्ट के लिए है और इसमें 1557 पोस्ट्स हैं। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट्स, दैट इज द डेट्स। सो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 2 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है एंड द लास्ट डेट विल बी 23 सितंबर यानी कि 23 सितंबर तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, प्लीज कीप इन माइंड, याद रहे कि यह एक ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगा, यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। जो पेमेंट आप फीस की करेंगे वो भी 2 सितंबर से 23 सितंबर तक आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो प्री एग्जाम का कॉल लेटर को आप डाउनलोड करेंगे वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा एंड जो इसकी ट्रेनिंग होगी वो 23 से लेके 28 नवंबर तक यानी कि 23 से 28 नवंबर तक प्री एग्जाम ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी। फ्रेंड्स, जो इसके ऑनलाइन एग्जाम का कॉल लेटर होगा उसको आप 18 नवंबर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसके जो ऑनलाइन एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जाम होंगे वो 5th, 12th और 13 दिसंबर को कंडक्ट किए जाएंगे, जिसका रिजल्ट आपको 31 दिसंबर तक मिल जाएगा। और इस प्रिलिमिनरी एग्जाम के बाद आफ्टर प्रिलिमिनरी एग्जाम जो मेन एग्जाम होगा उसका जो कॉल लेटर है वो आप 12th जनवरी से डाउनलोड कर सकते हैं और जो IBPS का मेन ऑनलाइन एग्जाम होगा वो 24 जनवरी 2021 को कंडक्ट किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। मैं आपको दोबारा बताना चाहती हूँ कि आप जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो 2 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और 23 सितंबर तक यानी कि 23 सितंबर तक आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी सारी वैकेंसी डिटेल्स आपको हमारी साइट yosearch.net पर मिल जाएगी। सो इसके बारे में अगर आप डिटेल में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप हमारी साइट yosearch.net पे विजिट कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें टू गेट द कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब्स, बैंक एग्जाम्स एंड मेनी अदर थिंग्स। और इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखें क्योंकि इसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ IBPS के बैंक रिक्रूटमेंट की जो क्लर्क पोस्ट के लिए रिलीज़ की गई है। सो इसमें आपको सारी वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स पता चल जाएंगी। फ्रेंड्स, इसकी पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिन बैंक्स का इसमें रिक्रूटमेंट होगा, जहाँ पे कैंडिडेट्स रिक्रूट होके जा सकते हैं, वो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये इनके पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नाउ फ्रेंड्स, टू गेट द कंप्लीट नॉलेज ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, सो जैसा कि नॉर्मली सब गवर्नमेंट एग्जाम्स में एक बेसिक रूल है विच इज़ दैट द सिटीजन शुड बी इंडियन, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए जो भी कैंडिडेट एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहता है, और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान एंड इवन अ तिब्बतन रिफ्यूजी कैन ऑल्सो अप्लाई। सो जो इसकी बेसिक डिटेल्स हैं जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स हैं वो आपको डिटेल में हमारी वेबसाइट yosearch.net पे मिल जाएंगी।
और फ्रेंड्स इसको अप्लाई करने के लिए जो आपकी मिनिमम एज है दैट इज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज 28 ईयर्स, यानी कि जो मिनिमम एज है 20 साल और मैक्सिमम एज है 28 साल. सो जो भी हमारे फ्रेंड्स इसको अप्लाई करना चाहते हैं और हमारे इस कैटेगरी में वो एलिजिबल है, सो प्लीज़ आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं. फ्रेंड्स इसमें एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइडेड है जिसकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगी. फिर भी मैं आप जैसे कि फॉर SC एंड ST इट इज 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन, फॉर OBC इट इज 3 ईयर्स, फॉर PWD 10 ईयर्स एंड एक्स्ट्रा डिटेल्स हैव बीन गिवन ऑन आवर वेबसाइट. यू कैन प्लीज चेक द कंप्लीट डिटेल्स हेयर. इसके अलावा आपको कोई भी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर जॉब, सो प्लीज आप हमारी वेबसाइट पर या फिर IBPS की ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप चेक कर सकते हैं. फ्रेंड्स नाउ नेक्स्ट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन. सो अ ग्रेजुएशन डिग्री इज मस्ट फॉर ऑल, यानी कि आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री जो है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये रिक्वायर्ड होगी और उसके लिए आपको अपनी एक वैलिड मार्कशीट या फिर कोई डिग्री या सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा वाइल यू अप्लाई फॉर द एग्जाम. और कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द एप्लीकेशन फॉर्म कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको देनी है, यानी कि ऑनलाइन ही आप अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं जो 2 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 23 सितंबर इज द लास्ट डेट. किसी और मोड से आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. एंड प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं उससे पहले कुछ रूल्स हैं जो IBPS के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, जैसे कि आपको अपना स्कैन करके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है. बट प्लीज़ मेक श्योर कि जो आपको रिक्वायर्ड साइज़ दिया गया है वो उसी में हो. कैपिटल लेटर्स में आप अपने सिग्नेचर्स को नहीं कर सकते हैं. जो भी आप अपनी पेमेंट करेंगे वो ऑनलाइन ही कर सकते हैं और उसके लिए आपको नेसेसरी डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करनी है. इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो आपका ईमेल आईडी हो या फिर जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो दैट शुड बी वैलिड. इसका मतलब वो आपके यूज़ में होना चाहिए बिकॉज जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग द एग्ज़ाम वो आपके पर्सनल ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर पर ही सेंड की जाएंगी. फ्रेंड्स द एप्लीकेशन फ़ी फॉर द अबव एग्जाम इज ₹175 इज़ फॉर द SC ST फिजिकली डिसेबल्ड एंड एक्स सर्विसमैन एंड ₹850 यानी कि 850 जो है वो जनरल कैटेगरी या फिर अदर कैटेगरीज के लिए है एंड 175 इज फॉर द SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन. और ये जो एप्लीकेशन फीस है आप इसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं टिल 23 सितंबर 2020. फ्रेंड्स इसके लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगी, जैसे कि आपकी एक फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपका थंब इम्प्रेशन एंड अ स्कैंड कॉपी ऑफ हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड जो IBPS के ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट में जिसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. सो प्लीज आप वहाँ पे जाके भी इसकी और डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. फ्रेंड्स जो IBPS का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दैट विल बी थ्रू प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम एंड एट लास्ट इंटरव्यू. और इसके लिए जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें मैं आपको सब्जेक्ट्स बता देती हूँ. फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम द सब्जेक्ट्स विल बी इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 रहेंगे. एंड फॉर मेन एग्जामिनेशन द सब्जेक्ट्स विल बी जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सो ये आपके जो है सब्जेक्ट्स रहेंगे फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जाम एंड फॉर योर मेन एग्जाम. और मेन एग्जाम के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 190 और जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे वो आपके 200 रहेंगे. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो भी एग्जाम है एक्सेप्ट इंग्लिश यानी कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सारे एग्जाम बायलिंगुअल होंगे, दैट इज वो हिंदी और इंग्लिश दोनों उनका मीडियम होगा. इसके अलावा कट ऑफ स्कोर फॉर ऑनलाइन मेन एग्जाम ये सब बाद में कंसिडर किया जाएगा. और जो एग्जामिनेशन सेंटर है दैट विल बी अक्रॉस इंडिया, यानी कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में इसके एग्जाम जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे. और इसकी जो एक टेंटेटिव लिस्ट है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है. सो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आपको IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है सो आप हमारी वेबसाइट yosearch.net पे आकर देख सकते हैं. एंड आप IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी
इसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है रिलेटेड टू IBPS क्लर्क पोस्ट। सो जो भी इसके लिए एलिजिबल है और इसको अप्लाई करना चाहते हैं, सो प्लीज़ आप अपना ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन टिल 23rd of September। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे अपडेटेड, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।